एक रोटी सूखे मिल जाए तो वो खा के अपन जिंदगी पूरा बिता ले, लेकिन अगर वही मेरा रुख ऊपर जिंदगी भर के लिए मुसीबत बन जाए, हम खुद ही सोचते रहली कि चला हमारा परिवार है, आज नाते बियाज बियान नाते परसों हमारा परिवार सुधर जाए, लेकिन सुधरे का वो इतना ज्यादा बिगड़ गए ना, जब उनकी आप लोग जानते हैं इतना मेहनत हम करते थे ना, ये कभी दोपहर में दोस्तों जैसे कि आप लोग देखे हैं मालती अपना रो रो कर बता रही है विष्णु का सच्चाई क्या है और मालती ने क्यों ऐसा करी। पूरा वीडियो में प्लीज लास्ट तक आप लोग बने रहिए और पूरा सच्चाई जानिए कि आखिर मालती ऐसा काम क्यों करी है, किस वजह से करी है, पूरा जानने के लिए प्लीज इस वीडियो में आप लोग लास्ट तक बने रहिए। हम ये जानते थे कि हम अर्जुन से प्यार करते हैं, उनके बिना नहीं जी पाएंगे, लेकिन हमको ये भी पता था कि हमारे पति के सिवा हमको कोई इतना प्यार नहीं करेंगे। लेकिन तो जब उस दिन हम लोग गोरखपुर से आ रहे थे ना, हम लोग का जब समझौता हो गया, हम सीधे अपने मायके चले आए। क्यों चले आए थे? क्योंकि हम वहाँ कभी काली में सर उठा के चल नहीं पाते, तो हम सोचे कि दो चार दिन मायके में रहेंगे फिर चले जाएंगे, मामला खत्म हो जाएगा, थोड़ा माहौल ठंडा हो जाएगा तो हम चले जाएंगे। लेकिन तो हम जब वहाँ गए तो रात को 11-12 बजे युवराज के पापा घर गए, आप लोग सोच सकते हैं समझ सकते हैं कि मालती। लेकिन वहाँ जाने के बाद मेरा बार बार फोन छोड़ते थे कि तुम बात करती हो अभी भी अर्जुन से, बात करती हो ये वो, मतलब तेरे मेरे के बात बनावत रहने, एक एक के बात। तो दोस्तों ये विष्णु राज का और मालती का सच्चाई, और जैसे कि शादी हुआ है आप लोग देखे हैं उसका मैटर क्या है, अर्जुन से प्यार करी नहीं शादी कहीं भी, हम कहली हम नहीं शादी करब, पता नहीं प्यार निकल गया, सब प्यार निकल गया, हम कहली प्यार।